हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट लक्की आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डागर लीगल एडवाइज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है। प्लॉट या अपने किसी जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराओगे उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के जरिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोज आपके पास पहुँच सके। थैंक यू। हाँ दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहा है वह उसका मालिक है या नहीं है, दूसरा ज़मीन उसके नाम पे है या नहीं है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों आप उस ज़मीन के कागज़ चेक करिए, उसमें यह देखिए कि मालिक ये जो उस ज़मीन को बेच रहा है वो उसका मालिक है या नहीं है। अगर वो उसका मालिक नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पर है, उस ज़मीन को सेल करने का अधिकार किसको है। जी हाँ दोस्तों, आप उस प्रॉपर्टी के कागज़, पावर ऑफ अटॉर्नी की एक कॉपी अपने पास लेनी पड़ेगी। जो भी उस प्रॉपर्टी के कागजात हैं उसकी आपको सभी डॉक्यूमेंटों की एक एक कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी, या फिर प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है, पावर अटॉर्नी जिसके नाम पर है, उसकी कॉपी भी आपको अपने पास एक लेनी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, जब आप उस प्रॉपर्टी के कागज़ अपने पास ले लेते हैं, कॉपी आप अपने पास ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे कि जो ये प्रॉपर्टी है इस पर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है, इस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट की। जब भी आप उस प्रॉपर्टी उस ज़मीन की पेमेंट करते हो तो आप उस ज़मीन की सारी पेमेंट एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उस प्रॉपर्टी की पेमेंट तो आप कैश में ना करके चेक या नेट बैंकिंग के थ्रू करें, क्योंकि दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने पास एक एविडेंस बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इस चेक या नेट बैंकिंग को अपने पास से एक एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो। जी हाँ, आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे हर प्रकार की ज़मीन, जिस प्रकार की भी कोई प्रॉपर्टी होती है उसके दो रेट होते हैं, एक सरकारी रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रेट सेलिंग रेट से हमेशा कम होता है। आपको जो रजिस्ट्री कराते टाइम जो उस पर स्टैंप लगेंगे, जो स्टैंप ड्यूटी उस पर लगती हैं, वो सरकारी रेट के अकॉर्डिंग लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं जो आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इसमें यूज में लोगे रजिस्ट्री कराते टाइम। एक तो दोस्तों सेलर की आईडी और उसके फोटोग्राफ्स, दूसरा जो बायर है उसकी आईडी और उसके फोटोग्राफ्स, तीसरा जो इसमें होता है दो गवाह होते हैं जिनकी आपको आईडी लेनी पड़ेगी, क्या क्या आईडी हैं और उनके फोटोग्राफ्स। इसके बाद दोस्तों आपको एक निश्चित डेट फिक्स कर लेनी है जिस डेट को आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है, वहाँ पर सेलर, वायर और जो आपके साथ में दो गवाह हैं वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं। आपको अपने जो जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, सेलर की आईडी, उसके फोटोग्राफ्स, बायर की आईडी, उसके फोटोग्राफ्स और जो दो गवाह हैं उनके फोटोग्राफ्स और उनकी आईडी। रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर आपको एक वकील लेना पड़ेगा जो आपके डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे। ज़्यादातर सभी एडवोकेट्स की फीस समान होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री के टाइम पे लगेंगी उनसे अलग 10-15 हज़ार रुपये वकील की फ़ीस होती है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने की फ़ीस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है जहाँ पर आपको तीन काउंटर मिलेंगे। सबसे पहले काउंटर पर आपसे पूछताछ होगी, सेलर से पूछताछ होगी, जो सेल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी उसे पूछताछ होगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो इसको, वायर से पूछताछ होगी जो उसको ख़रीदना चाहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हो, और जो आपके साथ में जो गवाह जाते हैं उनसे भी पूछताछ होगी कि आप इसमें गवाह हो, आपके सामने सेल की जा रही है या फिर आपके सामने ख़रीदा जा रहा है प्रॉपर्टी। इसके बाद दोस्तों आपसे पेमेंट के लिए भी पूछा जाएगा, तो जो पेमेंट के लिए आपसे पूछा जाता है वो आपको सरकारी रेट के हिसाब से बताना है, जो आपको एक सरकारी रेट पता होगा वो ही आपको सरकारी रेट के हिसाब से बताना है कि हमने इस रेट से अपनी ज़मीन सेल की है या फिर इस रेट से हमने अपनी ज़मीन परचेज की है। जी, दूसरे काउंटर पर दोस्तों सेलर और वायर के दोनों के साइन होंगे, और तीसरे काउंटर पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जमा करा देने हैं। कुछ दिनों बाद आपको आपके कागज़ मिल जाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हो। रजिस्ट्री कराने का प्रोसीजर जो था वो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस की आवश्यकता हो तो वो भी हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हो, हम आपकी जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।